आज से दो दिन पहले तक तो लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी नक्शे से गायब हरियाणा के, आज उनका फूफा जीत तो गया और कल पूरी रात माल पिया है कांग्रेस वालों ने। पूछो क्या गांजा गांजा पूरी रात। यार रुक जाओ यार भाई साहब, तुम तो यार मैं मान जाओ बोल रहा हूँ भाई साहब, क्या कुल लगा कर आ गए हो क्या? कांग्रेस ऑफिस से तो नहीं है चाचा। पूरी रात कांग्रेस वालों ने माल पिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको जीत हजम नहीं हुई। अब एक बंदा आया, उसने अपना ऑन कैमरा कुर्ता भी फाड़ लिया। क्या बोल रहे हैं? मैं ईवीएम ईवीएम चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अरे अभी तक तो वो कह रहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। सुबह 10 बजे इन्होंने मिठाई बांटी, ये अलग से डाल लेना भाई साहब, अलग डाल लेना है। सुबह 10 बजे इन्होंने मिठाई बांटी, सुबह 10 बजे इन्होंने जलेबी बांटी, सुबह 10 बजे इन्होंने बग्घी बुलाई, सुबह 10 बजे इन्होंने सहरा सजाया और गाना गाया कि राहुल का चेहरा सुहाना लगता है। राहुल गांधी, आप राहुल वो वाला मत समझना जिसकी शादी होने वाली हो। नहीं नहीं, राहुल गांधी का चेहरा सुहाना लगता है, अरे अमित शाह का दिल दीवाना लगता है। घंटों में बदलते हैं यहाँ निर्णय, ढोल वालों के पैसे पराए लगते हैं। 2500 रुपए खा गए तुगल का बात के दो ढोल वालों को। 2500 वो कह रहा भैया मेरे 2500 दिलवा दो। क्या 2500? वो कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर अभी भारत जोड़ो आंदोलन की गाड़ी के पैसे पूरे नहीं हुए। भारत जोड़ो यात्रा करी थी इन्होंने, उसकी गाड़ी के पैसे नहीं दिए लोगों को, वो खा के बैठ गए। डेढ़ लाख रुपए, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए। अभी मैं वहीं आऊंगा बिग बॉस में, ये आप अलग से निकाल लेना। अब मुझे एक बात बताओ, अबे हम कल जलेबी बांट रहे, कह रहे राहुल गांधी की जलेबी चुरा ली। अरे राहुल गांधी की तो लंबी लंबी जलेबी थी, हमने तो गोल वाली बांटी है। अरे वो कह रहे इलेक्शन कमीशन जाएंगे ईवीएम को लेके, कह रहे कि जब अरे पूरा सवाल सुन लो, वो कह रहे जब बैटरी 60-70% ईवीएम की थी तो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन 90% बैटरी ईवीएम की कैसे हो गई तभी कांग्रेस हार गई। ये वोट डले थे या बैटरी चार्ज कर रहे थे एक दूसरे के हरियाणा में आप लोग? नहीं बता रहा हूँ मैं, बैटरी का मतलब क्या होता है, ये बेकार की बातें हैं सुन लो। जम्मू कश्मीर में जीत गए, तब हमने तो नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमने तो नहीं बोला ईवीएम में। अरे अगर मोदी जी ने ईवीएम हैक करनी होती तो वो ऐसा वो हिमाचल में भी करता, दिल्ली में भी करता और जम्मू कश्मीर में भी करता। वहां पर भी 10 से 15 सीटों से नीचे हुआ है और लोकसभा में क्यों नहीं करा? और अगर उसको बैटरी डाउन करनी थी या तेज करनी थी तो भाई साहब अपनी सीट में 1.5 लाख वोटों से जीता है वो, और पिछली बार 3.5-4 लाख वोटों जीता था, तो वहां बैटरी डाउन करता और वहां बैटरी चार्ज करता। ये बेकार की बातें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब राहुल गांधी अपना वो चीज नोच रहा है जो उसके काम की नहीं है, मगर वो औरों के लिए बड़े काम की चीज है, समझ गए? क्योंकि वो हो गया 58 साल का। कितना है राहुल गांधी अभी? नहीं तो विदेश में ही जाएगा, अब क्या करेगा? वहां मियां खलीफा के साथ घूम रहा है वो, अब और क्या कर रहा है वो, वहां पर बात ले रहा है क्या? हम लोग उसको लाना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, वो वहां पे बात ले रहा है क्या? बात ले रहा और वो भी साबुन लगा रहा है लक्स वाला और गाना गा रहा है नाम जलेबी बाबा जलेबी बाबा। भाई साहब फैक्ट्री में जलेबी बन रही है विदेशों में, इधर से डाल रहे हैं मैदा, इधर डाल रहे हैं चीनी, इधर डाल रहे हैं पानी और इधर डाल रहे हैं चाशनी। कोनो फिरकी ले रहा है यार, मशीन में जलेबी कैसे बनेगी? राहुल गांधी के मशीन में बनता है, मशीन में बन सकता है। राहुल गांधी के मशीन में बनता है ऐसी जलेबी, क्योंकि वही तो आलू से सोना भी बना देते हैं। 8 बजे देख कर आया क्या उसकी जलेबी निकलती है? तो कल तो ये खिलाया राहुल गांधी, सुबह 8 बजे जलेबी निकालता होगा, जो कांग्रेस वाले चेक कर रहे हैं अब कि साहब तुमने जलेबी निकाल दी मगर हमें खिलाई नहीं। कल पूरे दिन राहुल गांधी रोया है, पूरी रात रोया है, पता क्या कह रहे हैं? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हरियाणा हार गए मगर मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में चलता है। भैया मूलचंद शर्मा के लिए तालियां। मैं मिलके आया हूँ आज मूलचंद शर्मा जी के पास, जलेबी बांट रहे बल्लभगढ़ में, भाजपा डाल देना ये भी। बीच बीच में कुछ मेरे मन की भी चीजें डाल दिया करो, बल्लभगढ़ में जलेबी बांट रहे, भंडारा कर रहे, लड्डू बांट रहे, क्योंकि वहां पर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे को मिला और हरियाणा में बड़े डंके की चोट में कहता है आज से 1 महीने पहले कि जा अपने राम को बोल दे हरियाणा जिता के दिखा दो। क्या जा अपने राम को बोल हरियाणा जिता दे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पीछे हो जाओ भाई साहब एक बार, ये जितने भी लोग हैं जो राम भक्त है वो मेरे साथ कहेंगे राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। कल भी जो जिताया ना भाई साहब, हम अब भी डंके की चोट पे कह रहे हैं इनको जिताया राम ने और धरती में किसने जिताया? अब आपसे गंभीर विषय में बता रहा हूँ, इस चीज को शुरू में डालना, एडिटर को नहीं तो बवासीर हो जाएगी। पूछो क्यों? ये गंभीर विषय है, अगर मैं बीजेपी का बंदा होता या बीजेपी का बंदा होता, सुनते जाओ, मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता अब्दुल, ये वीडियो ग्राउंड खबर की वीडियो एडिट करके डाल दियो, हर 3 सेकंड बाद बोलना रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, क्योंकि तुम लोगों का घर मेरे से चल रहा है, तुम लोगों का घर
मेरे से चल रहा है, तुम एडिट करके वीडियो डालते हो, ट्रोल करते हो, तुम्हारे घर में राशन मेरे पैसों से आ रहा है, तो कम से कम मेरे को अपना रिश्तेदार तो बना लो। बोलो क्या जीजा, जीजा 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 बना लेंगे वो लोग। नाम तो नहीं लिया। किसको बोला? जिसको बोला उसको बुरा लग जाएगा, उसका कमेंट आ जाएगा, और जिसका कमेंट आएगा वही मेरा साला है, मेरे खिलाफ। और जो जय श्री राम वाला है उसका मैं भाई था, हूँ और रहूंगा। जिसका नेगेटिव और जिसका पॉजिटिव कमेंट आएगा, जिसका अच्छा आ रहा है वो राम भक्त है मेरे पक्ष में, और चाचा जिसका बुरा आ रहा है उसका मैं जीजा जी जीजा जी हूँ। नाम तो नहीं लिया। अब सुनो, इन्होंने क्या करा, आज से 3 महीने पहले आरएसएस वालों को रिक्वेस्ट करी जेपी नड्डा जी ने। जेपी नड्डा जी ने बोला कि हम आरएसएस के बिना भी जीत सकते हैं। ये गलती करी थी लोकसभा इलेक्शन में, याद है आपको? ये गलती करने के बाद मोदी जी ने चिता दिया कि नड्डा ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे। हम बता रहे हैं आपको अंदर की बात। अब आपके जैसे विशेष सूत्र घूमते हैं ना, वैसे हमारे विशेष सूत्र भी घूमते हैं। ये तुमने ठीक नहीं करा। उन्होंने बोला मोहन भागवत जी को कि अपनी ही टीम है, भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, इस बात को खत्म करो। नड्डा जी ने बात करी, नड्डा जी ने बोला कि मैंने जो पिछली बार बोला है वो मेरे मुंह से निकल गई, इस बात को खत्म करो। भाई साहब, ये वर्करों ने जाके ग्राउंड में 16,000 गांव में कई हजार सभाएं करी आरएसएस वालों ने। क्या 16,000 गांव में? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से हूँ और हरियाणा में पिछले 4 महीने में 29,000 सभाएं हुई है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी मिला के। तो नहीं बोला ना? बिल्कुल सही बोला। इस बार अगर इन्होंने आरएसएस को अंडर एस्टिमेट करा होता ना, बुरा मत मानना, ये भाई बोल रहे हैं तो चौड़े में बोल रहे हैं, राम भक्त किसी के बाप से नहीं डरता, तो ये हरियाणा भी हार जाते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी आयाम है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं सभी से, लेकिन 29,000 सभाएं संगठन ने की और उसका आज परिणाम ऐसा है कि राहुल बाबा जी जो हैं वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या। झंडा लेके बीजेपी वाला जब घर जाता है तो एक अलग माहौल बनता है, झंडा लेके जब बीजेपी वाला जाता है एक अलग माहौल बनता है, मगर जब एक नौकरी करने वाला मेहनती आदमी अरबपति आदमी जब शाखा करता है और जब जाकर गली मोहल्ले में लोगों के साथ धार्मिक कर्मों में खड़ा होता है, मगर वो बीजेपी का नहीं होता, वो आरएसएस का होता है, मगर वो अपनी विचारधारा बताता है कि मेरी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसीलिए आप बीजेपी को वोट दो। जो गाय, सुन लो सर, अब बाद में बोलना, जो गाय खाता है उसको वोट मत दो। तो इसीलिए मैंने विधानसभा में कहा था हरियाणा में कि अगर अभी बीजेपी की सीटें विधानसभा में घटेगी तो गौ माता कटेगी, यही हुआ। और ये वीडियो मेरी 15 लाख लोगों ने देखी। कितनी? भैया ताली बजा दो, 15 लाख लोगों ने। पूरा का पूरा चुनाव योगी जी ने पलट डाला। जैसे योगी जी की एंट्री हुई उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और 14 सीटों पर वो गए, 9 में बीजेपी जीत गई। सुनो, फिलहाल मोदी जी यहाँ है, मोदी जी भी हमारे लिए हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ मतलब सलाम करते हैं हम, और इधर योगी जी हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो मोदी जी यहाँ है, योगी जी यहाँ है, योगी जी की पॉपुलैरिटी अभी यहाँ है और मोदी जी की थोड़ी सी यहाँ है, दोनों भाई हैं। अपग्रेड अप डाउन चलता रहता है, राम और लक्ष्मण में अपग्रेड चलता रहता है, ऊपर नीचे। योगी जी का जादू चला हरियाणा में? बिल्कुल चला है। सुनो ना, उन्होंने जाके फरीदाबाद में एक भाषण दिया और उन्होंने बोला क्या मेरी इज्जत अब की बारी हरियाणा वाले रखोगे कि नहीं रखोगे? तो हरियाणा वालों ने छूटते बोला अगर योगी की आंखों में दोबारा आंसू आ गए जो 2011 में अखिलेश यादव के टाइम पे आए थे, तो भाई साहब भूचाल आएगा। क्या? क्योंकि जब जब हिंदुस्तान में संत रोता है, क्या जब जब हिंदुस्तान में संत रोता है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, तो राहुल गांधी का पिछवाड़ा धोता है, राहुल गांधी का पिछवाड़ा धोता है। अरे राहुल गांधी कल रो रहा है, आप बताओ यही राहुल गांधी जो कह रहा था, हमारे एक मीडिया का बयान दिखा दो, दिखाओ, एक मीडिया का बयान नहीं आया कि नमस्कार हरियाणा वालों, आपका धन्यवाद, आपने मुझे हरवा दिया। ट्वीट आया आज, उस ट्वीट से क्या होगा? वो ट्वीट भी जो है वो इटली वालों ने करा होगा, क्योंकि उसी चलाते आईडी। मुद्दे पे आ जाओ ना, मैं बताते रहूं आपको कि ये मुद्दे से कहां पहुंच लास्ट है। ये आरएसएस की देन रही है, मोदी जी को बता दिया कि अगर आप सोचो कि बिना बीजेपी आरएसएस के, आरएसएस के बिना बीजेपी चल जाए क्या, तो हम आपकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। आरएसएस का साथ लोगे, क्योंकि आरएसएस में आज भी बीजेपी से ज्यादा संगठन में लोग जुड़े हुए हैं और लोग आरएसएस को प्यार करते हैं, लोग राष्ट्रवाद को प्यार करते हैं, लोग राम को प्यार करते हैं, लोग धर्म को करते हैं। सुन लो, बीजेपी रहे या ना रहे, आरएसएस रहे या ना रहे, राम था, राम है और राम रहेगा। और आरएसएस को हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो शाखा है और शाखा में सबसे पहले सिखाया जाता है सूर्य नमस्कार। क्या? सूर्य नमस्कार। मगर बीजेपी के कुछ नेताओं ने करना शुरू कर दिया था नेता नमस्कार। क्या? नेता नमस्कार के नेताजी आ गए और उनको चिता दो अभी भी
झारखंड में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना चले जाएं क्या कभी बहन? तो फिर मेरे को मत बोलना बाद में दिल्ली के दीपक तूने बताया नहीं था। झारखंड में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में है, वहीं आ रहा हूँ, फिर इसको अलग डालना, फिर बिग बॉस में आ जाऊंगा। झारखंड की तैयारी करो, आरएसएस से बना के रखो, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संगठन से बना के रखो। आपको एक मिनट लूंगा, उसके बाद आप बोल लेना। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवा दल के किसी भी कार्यकर्ता को हल्के में मत लेना। वो एक कार्यकर्ता 1,000 वोट लाने का गुदा रखता है। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? अरे अब तुमने उसको नाराज कर दिया। अयोध्या में एक भी रैली नहीं करी, एक भी बैठक नहीं करी, एक भी संगठन में उन्होंने जाकर प्रचार नहीं करा, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने बोल दिया कि हम खुद जीत जाएंगे। तो इस बारी जाकर वाराणसी में एक भी उन्होंने प्रचार नहीं करा, तो सीधा 3.5 लाख से मोदी जी का ग्राफ 1.5 लाख में आ गया। 2 लाख लोग कट गए, कितने? 2 लाख। और वो 2 लाख लोग पता कहां गए? बट गए। इसीलिए मोदी योगी जी ने बोला कि सर्वे लाओ, सर्वे लाओ। जब सर्वे लाए तो बोले बाबा सर्वे में बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब की बारी राष्ट्र सेवा संघ दल वाले नहीं आए हमारे पास, तो कह रहा है इसका मतलब ये है कि बटोगे तो कटोगे। ये बात घूमी 15 दिन पहले, फिर वहीं आएंगे बिग बॉस में। ये बात घूमी 15 दिन पहले, ये बात मोदी जी के कान में पहुंच गई, ट्विटर में ट्रेंड कर गई, यूट्यूब फेसबुक में वैसे योगी जी की फैन फॉलोइंग है। उन्होंने पता क्या बोला कि यार ये योगी जो बोल रहा है ये तो सही बोल रहा है। अच्छा योगी मोदी जी क्या कुछ दिन पहले सेकुलर बन गए थे, कुछ दिन पहले जो है वो भाईचारे वाली बातें करते थे। अरे हम भी भाईचारे की बात करते हैं, मगर चारा कौन है और भाई कौन है ये भी बता दो। सही बात, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। 70 साल से भाईचारा जो निभा रहे थे उसमें से चारा कौन है और भाई कौन है ये क्लियर करो। आपको पता है कि चारा हिंदू है और भाईजान जो है वो भाईचारा करता है, और चारा करते करते में चारा घटता जा रहा है और भाईजान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि अब की बारी मोदी जी ने जो 4 दिन पहले बयान दिया, ठीक इलेक्शन से 1 दिन पहले, कि बटोगे तो कटोगे। इसीलिए योगी जी ने बोला हेलो जय श्री राम, मोदी जी बड़का भैया, बोले हाँ मेरा बयान कैसा लगा आपको? बोले मैं तो चाह रहा था आपके मुंह से 2 शब्द निकल जाए, अब हम हरियाणा जीत जाएंगे। बोले ठीक है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की तैयारी करते हैं। अरे ये तो हरियाणा है, अगली बारी जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र की है, अभी से बोल रहा हूँ। बटोगे तो कटोगे।